मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एस एन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरिया सराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम इन बिहार, किम्स सीबी सिटी सेंटर, किम्स डेंटल स्पा इन फ्रंट ऑफ मिथिला मेनोट्री डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय, दरभंगा। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। जल्द ही भव्य शुभारंभ होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में, बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, कृष्णा हीरो और केडी हीरो का वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा, एडवांस बुकिंग पर 1,000 की अतिरिक्त छूट, फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड, 2 साल से अधिक समय के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त, फाइनेंस मात्र 1 रुपए से शुरू, हर खरीद पर निश्चित उपहार। दरभंगा नगर निगम की पूर्व पार्षद, कांग्रेस नेत्री और जानी मानी समाज सेवी, दरभंगा जिला शांति समिति की सदस्य रीता सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं, आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि रीता सिंह के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है, फिलहाल वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। पूर्व पार्षद रीता सिंह के साथ हुए जानलेवा हमले के बारे में हमारे संवाददाता ने दरभंगा के सिटी SP अशोक कुमार चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि उनका इलाज चल रहा है और वो फिलहाल खतरे से अब बाहर हैं, स्वास्थ्य में सुधार तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है और उसको पकड़ने के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बताते चले आपको कि कल रविवार को पूर्व पार्षद रीता सिंह के आवास पर, जो खाजा सराय में उनका आवास है, उनके आवास पर किचन में घुसकर स्कूल ड्रेस पहने एक लड़के ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। आनन फानन उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था, उनका इलाज चल रहा है। जानी मानी हस्ती होने की वजह से अस्पताल में भी उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है और इस वक्त वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश का दावा तो कर रही है लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जी सर, पूर्व पार्षद और जिला शांति समिति के सदस्य रीता सिंह पर जो है छुरीबाजी कर हमला किया गया, जानलेवा हमला, क्या अभी तक स्थिति है और क्या अपडेट है सर? नहीं, उनका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। कल भी हमने उनसे बात किया, आज भी हम लोग सुबह में गए थे, स्वास्थ्य लाभ दे रही है, काफ़ी प्रोग्रेस है। आज मैंने उनको काफ़ी बात किया, उन्होंने बताया है कि एक आदमी को देखी है जिसे छुरा मारा है, उसमें फर्दर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी पहचान स्थापित करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो बात सामने आई है, जिस घर में घुस के हमला किया गया था, CCTV कैमरा भी लगा, क्या कैमरे को भी खंगाला गया है? जब पुलिस अनुसंधान करती है तो हर एक बिंदु पर CCTV फुटेज, वीडियो, जहाँ से भी साक्ष्य मिले, सारे बिंदुओं पर पुलिस लगी हुई है अपना काम कर। अपराधी की पहचान हुई है सर? उसकी पहचान करके गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। से 2023 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनश्यामपुर के द्वारा आंतरिक सफाई मद में किए गए अधिक भुगतान की वसूली करने का दिया गया निर्देश। जिला
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दरभंगा अनिल कुमार द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर के परिवादी डॉक्टर सुरेश कुमार राय द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 18 जुलाई 2024 को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय दरभंगा में परिवाद दायर किया गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राय द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनश्यामपुर में जुलाई 2018 से 2023 तक आंतरिक सफाई मद में किए गए अधिक भुगतान एवं सरकारी राशि के संबंध में परिवाद दायर किया था। परिवाद में अपने आवेदन में उल्लेख किया गया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनश्यामपुर में जुलाई 2018 से 2023 तक आंतरिक सफाई मद में पूर्व में किए गए भुगतान से कई गुना अधिक राशि का भुगतान गलत माप के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त मामलों की गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन दरभंगा द्वारा 28 अगस्त 2024 को इसकी जाँच कराने हेतु जाँच दल का गठन किया गया। तत्पश्चात जांच दल द्वारा मामलों की जांच करते हुए प्रतिवेदन दिया गया कि तीन प्रभारियों द्वारा समान भवन का कराई गई मापी का आंकड़ा तीन तरह का है। खासकर पहले और तीसरे प्रभारी की अपेक्षा दूसरे प्रभारी द्वारा कराई गई मापी के आंतरिक साफ सफाई के भुगतान की राशि का अंतर बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके आलोक में जाँच दल द्वारा अनुशंसा किया गया कि किसी अन्य सक्षम कनीय अभियंता से पुनः मापी कराई जाए। यदि साफ सफाई हेतु ज़्यादा भुगतान की गई है तो संबंधित व्यक्ति से इसकी वसूली की जाए। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन से प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होता है। उन्होंने उक्त जांच कमेटी के प्रतिवेदन के आलोक में सिविल सर्जन दरभंगा को निर्देश दिया है कि तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी घनश्यामपुर एवं संबंधित कार्यवाह सहायक से अतिरिक्त भुगतान राशि की वसूली कराते हुए विभागीय कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें तथा एक माह में वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि उक्त निश्चय के साथ उपरोक्त बात की कार्रवाई समाप्त की जाती है। पुलिस केंद्र दरभंगा में मनाया गया पुलिस संस्मरण दिवस। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर देने वाले पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के सम्मान में पूरे देश में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है। इस संदर्भ में आज 21 अक्टूबर को पुलिस केंद्र लहेरिया सराय में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित यातायात, पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान देने वाले पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों, पुलिस अवर निरीक्षक प्रभात रंजन जमुई, खामस चौधरी बेगूसराय, रामभजन सिंह औरंगाबाद, सतीभा कुमारी गोपालगंज, सहायक अवर निरीक्षक देवनाथ राम नवगछिया, विजय कुमार चौहान नालंदा, हवलदार हरेंद्र कुमार सिंह सारन, रामदेव यादव नालंदा, सिपाही विजय कुमार भोजपुर, दीपक कुमार सिंह औरंगाबाद, अमिता बच्चन वैशाली, अशोक कुमार उरांव गोपालगंज, सुधीर कुमार गोपालगंज, दिग्विजय कुमार गोपालगंज और पवन महतो गोपालगंज को श्रद्धांजलि दी गई। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगड़ूसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम एस एन सर्राफ हॉस्पिटल और मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर नाका नंबर 6 DMCH रोड लहेरियासराय दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह, रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजुरी का भी पक्का इलाज। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, लहेरिया सराय, दरभंगा। Now affiliated to CBSE up to 10 plus 2 level. Classes pre-primary to 9th and 11th. Introducing artificial intelligence, robotic club and drone technology. Our tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Hurry up, free admission for limited period. त्योहारों में करें हीरो गाड़ी की खरीदारी और पाएं 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, साथ में ढेरों निश्चित उपहार। कृष्णा हीरो और केडी हीरो का है वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा।
फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड और पूरे 750 दिनों का मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त। मौका हाथ से जाने न दें, आज ही संपर्क करें कृष्णा ऑटोमोबाइल्स अलल पट्टी दरभंगा, मोबाइल नंबर 9289923213 और केडी ऑटोमोबाइल्स मब्बी दरभंगा, मोबाइल नंबर 9289923120। अब दो नहीं बस एक मिनट में बनकर तैयार होगा आपका नूडल, वह भी मसाला मैजिक के साथ। 1 2 3 वन मिनट नूडल्स, ऑथेंटिक व्हाइट नूडल्स। और यदि बनाने के झंझट से चाहते हैं छुटकारा तो आपके लिए है रेडी टू ईट 1 2 3 बुलेट प्रीमियम नूडल्स। बस पैकेट खोलें और खाएं। किसी भी तरह की जानकारी और ट्रेड इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। परियोजना समन्वयक जीविका के सभागार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को लेकर आयोजित की गई बैठक। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को लेकर जिला परियोजना समन्वयक इकाई जीविका दरभंगा के सभागार में सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रबंधक DRCC विकास कुमार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के संबंध में सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हों और रोजगार की तलाश में हों, बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। जिला परियोजना प्रबंधक जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी द्वारा सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने अपने प्रखंड के सभी सामुदायिक समन्वयक एवं सामुदायिक मोबिलाइजर के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का विस्तृत जानकारी दें तथा अपने अपने क्षेत्रांतर्गत पात्र लाभुकों को चिन्हित करते हुए इस योजना का लाभ दिलाएं। बैठक में सहायक योजना पदाधिकारी प्रशांत कुमार के साथ साथ अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। तत्पश्चात बहेड़ी प्रखंड के नवटोला जोरजा महादली टोला में सहायक प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा राजा दास द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के साथ विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हों और रोजगार की तलाश में हों, बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दरभंगा जिले के आगमन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नवंबर के दूसरे सप्ताह में दरभंगा जिले में संभावित आगमन के मद्देनजर DPM जीविका दरभंगा द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक दरभंगा जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी 18 प्रखंडों के प्रखंड परियोजना प्रबंधक BPM वित्तीय समावेशन FI नोडल पदाधिकारी विषयगत प्रबंधक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक RM मोहम्मद रियाजुद्दीन अहमद, क्रेडिट मैनेजर सुकेश झा सहित अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत योग्य स्वयं सहायता समूहों SHGS और जीविका दीदियों को चिन्हित कर ऋण वितरण की योजना बनाना था। DPM ने बैठक में बताया कि दरभंगा के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है जहां स्वयं केंद्रीय वित्त मंत्री इतनी बड़ी राशि का ऋण वितरण करने आ रही हैं, जो दरभंगा जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी योग्य जीविका समूहों और दीदियों की पहचान कर उन्हें ऋण दिलाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत जीविका समूहों को लगभग 150 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी BPM और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। माइक्रो फाइनेंस मैनेजर सुवीर झा ने बैठक में जानकारी दी कि केंद्रीय वित्त मंत्री इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करेंगी। इस ऋण वितरण का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। ऋण वितरण के तहत जीविका परियोजना के साथ साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, स्टैंडअप इंडिया, कृषि अवसंरचना और PM निधि जैसी योजनाओं के तहत भी ऋण प्रदान किया जाएगा।
जेवर की दुनिया में दरभंगा का सबसे पुराना प्रतिष्ठान गोल्ड हाउस ज्वेलर्स बाकरगंज लहेरिया सराय। सोने चांदी और हीरों के जेवर सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। सोने के जेवर की मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 25% की छूट, जबकि हीरों के जेवर की मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। धनतेरस, दीपावली और छठ पर आकर्षक डिजाइन के साथ एक से बढ़कर एक कलेक्शन बस आपके लिए। ग्लोरियस 39 इयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल। डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन। सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशन आर फ्री। कीलर एक्सक्लूसिव शोरूम गामी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने, मसरफ बाजार दरभंगा। जींस शर्ट, टी शर्ट, स्वेट शर्ट, उलन आइटम्स के साथ एसेसरीज। 9,999 की खरीद पर 2,000, 5,999 की खरीद पर 1,000 और 3,999 की खरीद पर 500 रुपए की छूट। 912 करोड़ की लागत से बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल, पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 912 करोड़ रुपए की लागत की दरभंगा हवाई अड्डे के नए सिविल इनक्लेव का वाराणसी के सिगरा स्टेडियम से रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर में 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 7 एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास का शिलान्यास किया। इसमें दरभंगा, वाराणसी, आगरा और बागडोगरा हवाई अड्डे की परियोजनाएं शामिल हैं। शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए टर्मिनल का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस एयरपोर्ट के विकास से मिथिला क्षेत्र के साथ साथ उत्तर बिहार के जिलों का भी विकास होगा। नए टर्मिनल के लिए राज्य सरकार ने 76.65 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी राज्य सरकार करेगी। दरभंगा में शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि आज से विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। यह सौभाग्य की बात है कि दरभंगा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण का वाराणसी से प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। यह दिल्ली में बैठकर दरभंगा के लोगों की चिंता करते हैं। बताया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दरभंगा का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। राज्यपाल ने कहा कि दरभंगा के विकास से बिहार का विकास होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को नई सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री सह प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज सौभाग्य का दिन है। 4 साल पहले दरभंगा से उड़ान सेवा की शुरुआत की गई थी। आज प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों को नई सौगात दी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस एयरपोर्ट पर 31 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाया दिया गया था और आप सबों को पता है। फिर हमने भारत की सरकार से एक कमेटी ला करके प्लानिंग से और यहां के तत्कालीन डीएम के साथ यहां 52 और 24 एकड़ हमने लिया है, इसलिए ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने दरभंगा। और हमने तो एक मांग भी किया है, वह भी पूरा निश्चित रूप से होगा ही। ठीक है, एक सवाल है, उड़ान योजना के तहत यहाँ हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन जिस तरह से टिकट मांगी लोगों को लेनी पड़ रही है, इसके लिए एक सांसद देखिए, निश्चित रूप से मेरा लगातार प्रयास जारी रहता है। उड्डयन मंत्रालय के सारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और हमको लगता है इस देश में जितने
हम उड्डयन मंत्रालय में जाकर के अपनी विषयों को रखने का काम करते हैं, उसी का आज परिणाम है जो यहाँ 8 नवंबर 2020 को हमने दिया था और स्पेशल लिया और सुविधा नहीं थी, एक एप्रन दो जहाज हम ठहरा सकते थे। अब जब हम 7 एप्रन दिए, 14 जहाज एक साथ खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से अभी तो हम लगे हुए हैं इंडिगो, आकाशा, अन्य कंपनियों में जो यहाँ आए, क्योंकि उसका 3 साल का समय पूरा हो गया है तो अन्य कंपनी आकर के यहाँ से अपना सेवा बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद का दें, और निश्चित रूप से पटना भी हम देने जा रहे हैं और रांची भी हम देंगे, उसमें हम लगे हुए। तो सुविधा जब हम उपलब्ध कराएंगे, अनेक कंपनियां यहां आएंगे, एक आपस में जब चलेगा प्रतिद्वंदता तो सब उधर जाएगा, और जब यह सुविधा हम जो नए आज शिलान्यास हुआ है, यह सुविधा जब हम प्रदान कर देंगे तो निश्चित रूप से सारा समस्या ठीक। साथियों, काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी मैं आंखों के एक बड़े अस्पताल का, उस अस्पताल का लोकार्पण करके आपके पास आया और इसलिए आने में थोड़ी देर भी हो गई। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ, जिसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए। यहां तो सारनाथ है, भगवान बुद्ध की उपदेश भूमि है। कुछ दिन पहले ही मैं अधिधम्म महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। आज मुझे सारनाथ के विकास से जुड़ी